मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कंप्यूटर एवोल्यूशंस इज नेक्स्ट चैप्टर्स चैप्टर टू। इन प्रीवियस वीडियोस आई हैव सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स एंड टुडे इज कंप्यूटर एवोल्यूशंस। ये कंप्यूटर की विकास गति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर का इतिहास सबसे पहले जानेंगे अर्ली मैन। इन अर्ली मैन्स people were used to count sticks, stones, pebbles, twigs and fingers etc. सबसे पहले जो हमारे मनुष्य थे वो गिनने के कार्य को करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल क्या करते थे, टहनियों का इस्तेमाल करते थे, छड़ियों का इस्तेमाल करते थे या फिर हंटी का इस्तेमाल करते थे, पेबल्स, स्टोन्स या फिर अपने उंगलियों का इस्तेमाल क्या करते थे। बट देर इज लिमिट इन आवर बॉडीज, फिंगर्स, टोज एंड हैंड फिंगर्स आर लिमिटेड। दे विल काउंट टू फिंगर्स अपने जानवरों को काउंट करने या किसी चीज को काउंट करना होता था। इन सारे चीजों, इन सारे वस्तुओं का वो सहारा लेकर कार्य करते थे, गिनते थे। धीरे धीरे इस तरह से काउंट का विस्तारित रूप आगे क्यों बढ़ता गया। वो ये नहीं जानते थे कि जो हमने गिनने का जो कार्य कर रहे हैं, इस गणना के कार्य के अनुसार आगे चलकर एक यंत्र का आविष्कार होगा। सम डिवाइसेस आर इन्वेंट टुडेज अर्लियर फ्रॉम मॉडर्न डेज। पहले के बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज के डेट के अनुसार हमारा डिवाइस का आविष्कार हुआ। सम डिवाइसेस आर यूज्ड अर्लियर। नंबर वन इज एबेकस। सबसे पहला डिवाइस जो आविष्कार हुआ वो था आपका एबेकस। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। एबेकस सबसे प्रथम गणना करने का यंत्र का आविष्कार किया और इस एबेकस में खासकर अर्थमेटिक ऑपरेशंस का ही कार्य किया जाने लगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का कार्य किया जाने लगा, ठीक है। एबेकस में सबसे पहले जो यंत्र का आविष्कार हुआ उसमें खास तौर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही कार्य किया जाने लगा। इसके बाद फिर डिवाइस का रूपांतरित करके एक नया डिवाइस का आविष्कार किया गया, दूसरा, जिसका नाम था, और ये एबेकस जो करीब 5000 साल पहले ही आविष्कार किया, ठीक है। दूसरा आविष्कार जो किया गया वो हमारा था नेपियर्स बोर्ड। नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट के नाम पर ही इस डिवाइस का नाम रखा गया नेपियर्स बोन्स। दिस वाज द अनदर कैलकुलेटिंग डिवाइस
विच आर मेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियंस, स्कॉटिश के रहने वाले थे और वो गणितज्ञ थे। उनके अनुसार डिवाइस इस नेपियस बोन्स का आविष्कार रखा गया जिसका नाम था सर जॉन नेपियर। नेपियस बोन्स के डिवाइस का आविष्कार करने का नाम था सर जॉन नेपियर। इनके नाम के अनुसार ही नेपियस बोन्स का यानी डिवाइस का नाम रखा गया। ये कंप्यूटर डिवाइस का नाम रखा गया जो कि एबेकस के बाद आविष्कार इसका किया गया। ये सर जॉन नेपियर कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटिश के रहने वाले थे, साथ ही साथ ये गणितज्ञ भी थे, गणित में माहिर थे। दिस डिवाइस वाज एन इन्वेंशमेंट ऑफ द एबेकस। इट कुड आल्सो परफॉर्म मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन। इस नेपियर्स बोन में एबेकस का ही रूपांतरित किया गया, लेकिन इसमें कार्य आपको क्या किया जाने लगा? मल्टीप्लीकेशंस का, मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन्स का कार्य किया जाने लगा। ठीक है, पहला डिवाइस में आपका कौन सा कार्य किया जाने लगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट जब डिवाइस का आविष्कार होता है तो उसमें आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कार्य किया जाने लगा, जो कि उसका रूपांतरित रूप किया गया, उसे परिवर्तित रूप करके नेक्स्ट डिवाइस का आविष्कार किया। इसके बाद नेपियस बोन्स के बाद आपका आता है पास्कुलाइन। थर्ड इज पास्कुलाइन। ठीक है, तीसरा आपका डिवाइस का नाम क्या था? पास्कुलाइन। पास्कुलाइन सन 1642 ईस्वी में, इन 1642, इसका आविष्कार सन 1642 ईस्वी में किया गया। ठीक है, दिस वाज आल्सो ए कैलकुलेटिंग डिवाइस विच आर मेड बाय फ्रेंच which are made by French mathematicians Blaise Pascal. French mathematicians Blaise Pascal. यह भी एक प्रकार का क्लाइनकल्टेन डिवाइस था जिसका आविष्कार सन 1642 में किया गया, और सन 1642 में साइंटिस्ट नेम फ्रेंच यानी फ्रेंच मैथमेटिशियंस, फ्रेंच के रहने वाले थे और वह भी गणितज्ञ थे। इसके अनुसार इन आपका पास्कुलाइन का आविष्कार किया गया जिस साइंटिस्ट का नाम था ब्लेज पास्कल। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे, गणितज्ञ थे, और उन्होंने सन 1642 ईस्वी में पास्कुलाइन का आविष्कार किया गया। इस पास्कुलाइन का नाम ब्लेज पास्कल यानी उसके नाम के अनुरूप ही रखा गया, ब्लेज पास्कल था, तो पास्कल से पास्कुलाइन डिवाइस का नाम किया गया। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस का आविष्कार हुआ पास्कुलाइन के बाद, फोर्थ आपका आता है डिफरेंस इंजन का। ये था आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कैलकुलेशंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाने लगा, और ये कैलकुलेशंस का तरीका जो है अलग अलग डिवाइसों में किया जाने लगा। ब्लेज पास्कल में कौन सा कैलकुलेट किया जाएगा? दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। पास्कुलाइन क्या था? पास्कुलाइन, this was the first mechanical calculating device, ये सबसे प्रथम यांत्रिक calculating device था।
ठीक है, यांत्रिक कैलकुलेटर डिवाइस, इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस। ईच हैड ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, ईच हैड ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विद मूवेबल व्हील्स। इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स का आपके अंदर इसमें एक क्या बना हुआ होता है, एक व्हील्स बना होता है, ठीक है। और सबसे प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसके मूवेबल्स व्हील्स के द्वारा, व्हील्स की मदद के हिसाब से हम लोग गणना करते थे। ये व्हील्स जो चक्र है ये गोल गोल घूमता है, ये गियर्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला हमारा यांत्रिक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, तीसरा था, तीसरा पॉइंट था। इसके बाद आपका पॉइंट्स चलते हैं फोर्थ पॉइंट में, डिफरेंस इंजन के बारे में। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन फोर पॉइंट्स, ये धीरे धीरे जो आपका डिवाइस था वो परिवर्तित रूप करके आगे के डिवाइस का आविष्कार होता गया और उसमें कुछ डिफरेंस होते गया। कैलकुलेशंस करने की जो विधि है वो कुछ अंतर होता गया, आपके यंत्र भी कुछ डिफरेंस देखने में थे। डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेजेस इन 1821। ठीक है, फास्ट क्लाइंब को सन 1821 ईस्वी में आविष्कार किया गया चार्ल्स बैबेज के द्वारा, ठीक है। इस डिफरेंस इंजन में दे कैलकुलेट एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, इस इंजन में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का ही कार्य कार्य किया जाता था। दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। इसके जो कंसेप्ट थे वो आधुनिक युग के कंप्यूटर का एक आधार माना गया था। डिफरेंस इंजन क्या था, एक आधार था मॉडर्न कंप्यूटर का। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ल्स बेबेज, और इसी के हिसाब से चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस, यानी इसी कॉन्सेप्ट के आधार के अनुसार हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस चार्ल्स बेबेज नॉन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज फादर फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों क्यों कहा गया, डिफरेंस इंजन के कंसेप्ट यानी इस कंसेप्ट के आधार पर, ठीक है। द मशीन इज इन्वेंटेड वॉज नॉन एज द डिफरेंस इंजन, मशीन्स का जो आविष्कार किया गया उसका नाम क्या रखा गया था, डिफरेंस इंजन। फिर से समझ लेंगे, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन का आविष्कार सन 1821 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। इस इंजन में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के कार्य किए जाने लगे, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कार्य किए जाने। दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का ये कॉन्सेप्ट यानी एक मूल आधार था, ठीक है, एक नए मॉडर्न कंप्यूटर का आविष्कार करने के लिए। और ये इस आधार को, आधार के बदौलत, इस कंसेप्ट के बदौलत आपको चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाना है। बिकॉज ऑफ दिस चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं,
फोर्थ के बाद आपका आता है फिफ्थ में एनालिटिकल इंजन। फिफ्थ में फिफ्थ पॉइंट आपका है एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन। इट इज ए बेटर वर्शन ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन से भी बेहतर आपका रूपांतरित करके एनालिटिकल इंजन को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बैबेज के द्वारा। डिफरेंस इंजन का भी चार्ल्स बैबेज निर्माण किया, उसके बाद एनालिटिकल इंजन का जो उसका रूपांतरित करके बनाया उसे भी चार्ल्स बैबेज ने ही बनाया। चार्ल्स बैबेज, दिस वाज डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज इन 1837। इसका आविष्कार सन 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। ठीक है, इन दिस कंप्यूटर्स एनालिटिकल इंजन, इन दिस डिवाइस देयर इज सम बेसिक एलिमेंट्स एज एन मॉडर्न कंप्यूटर। इसमें कुछ खास तरह से तत्व थे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में मौजूद है। इट कुड मैकेनिकली परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशंस। ठीक है, यानी मैकेनिकल रूप से, यांत्रिक रूप से कैलकुलेटिंग्स का कार्य किया जाने लगा। बेसिक कैलकुलेशंस जो आपका आधार है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, इन सारे चीजों को लेकर वो एनालिटिकल इंजन में कैलकुलेट किया जाने लगा। इसके बाद आपका आता है मार्क आई। सिक्स में मार्क फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नोन एज मार्क आई वाज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड एकिंस एंड ग्रेस हूपर इन 1948। ये मार्क आई जो है 1948 ईस्वी में आविष्कार किया गया हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम था एकिंस एंड ग्रेस होपर, AIKINS, एकिंस एंड ग्रेस होपर। ठीक है, मार्क फर्स्ट वॉज इन्वेंटेड इन 1948। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक थे, वो अध्ययन करते थे वहां। वैज्ञानिक का नाम था एकिंस एंड ग्रेस हूपर। इन दोनों ने मिलकर मार्क फर्स्ट का आविष्कार किया सन 1648 ईस्वी में। दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नोन एज मार्क वन, यांत्रिक कंप्यूटर था। दिस फुली ऑटोमेटिक मशीन्स, ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन्स था, खुद ये कार्य कर सकता था। दिस वॉज एनॉर्मस इन साइज, और इसका साइज भी काफी बड़ा था। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मशीन, दिस मशीन वॉज ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, ये खुद कार्य कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट डे विल टीच अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट डे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आज बच्चों हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया, जो बहुत सारे डिवाइसेस का आविष्कार किया गया है ना, उन आविष्कारों के बारे में जाने, और साथ ही साथ किसने आविष्कार किया गया उसके बारे में जाने। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।